नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या का ऐतिहासिक रामायण मेले का 42वां रामायण मेला बड़े हर्षोल्लास के साथ आज संपन्न हुआ। इस वर्ष 42 रामायण मेले का 6 दिन विभिन्न आयोजन के साथ किया गया, जिसमें प्रथम दिन अनूप जलोटा, मालिनी अवस्थी, लोक गायिका वंदना मिश्रा इत्यादि गायकों के साथ संपन्न किया गया। इस अवसर पर रामायण मेले के महामंत्री कमलेश सिंह जी एवं कार्यालय मंत्री नंदन कुमार मिश्रा जी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव कैमरामैन सुमद्रा नंदन के साथ। तो इस समय हम देख रहे हैं कि अयोध्या में जिस तरह से हमारे बीच में पेड़ा महाराज जी हैं, और निश्चित है कि ये यहाँ के अयोध्या के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति रामकृष्ण मिश्रा जी होते थे, जो कांग्रेस के बहुत ही गद्दार कार्यकर्ता नेता थे यहाँ पे, और इनकी एक लाबी थी। वो आज मैं चर्चा भी इस पर नहीं करूँगा, क्योंकि एक ऐसा जो है ऐसे परिवार से आप हैं और इस रामायण मेला में भी आपका शुरू से योगदान रहा है, और ये आप कार्यालय मंत्री हैं, तो इस सर आप कहना चाहेंगे कि चूंकि इस बार 6 दिन का रामायण हुआ है, रामायण मेला हुआ है, इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? भविष्य में ये 10 दिन की परिकल्पना है। क्या बात है, अब की तो 2 दिन ही बढ़ाया गया, लेकिन आने वाले समय में जो समिट का विचार है वो 10 दिन का है। अच्छा सर, ये बताइए, राम मंदिर का उद्घाटन जो होने वाला है 22 जनवरी को, उस पर आप क्या फोकस कर क्या कर रहे हैं, किस तरह से अयोध्या का कैसी कैसा रणनीति हो रही है, किस तरह से अयोध्या को सजाया संवारा जाएगा, और क्या उसमें उसमें क्या कैसी स्थिति रहेगी अयोध्या की? इस बारे में तो प्रशासन या राम जन्मभूमि समित इस पर प्रकाश डाल सकती है। सर आप भी चूंकि पुराने सक्रिय हैं, भाई योजना उनका है, परिकल्पना क्या है वो व्यवस्था कर रहे हैं, पेपरों में आ रहा है। सर ये मेरे मानने की चूंकि ऐतिहासिक पल होगा, वो ऐतिहासिक पल होगा, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और तमाम VIP जाएंगे, देश विदेश से आएंगे, उसमें वो पल जो है एक ऐतिहासिक पल होगा। यही मैं अयोध्या सदियों से ऐतिहासिक रहा और रहेगा। क्या बात है, घटना घटती हैं और घटती रहेंगी, तो अयोध्या के बारे में ये कहना कि ऐतिहासिक पल है, यहाँ तो हर क्षण ऐतिहासिक पल है। क्या बात है, हाँ। तो ये वास्तव में भी हमारे जो पिताजी हमारे बताया कि अयोध्या वास्तव में अगर चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या है, यहाँ पर हर पल ऐतिहासिक होता है और उसमें कोई बहुत मजा नहीं है, लेकिन चूंकि एक मंदिर का उद्घाटन होना है, इसमें एक विशेष आयोजन होगा, और मैं इस समय समझ रहा हूँ कि हमारे रामायण मेला की जो है महामंत्री जी हैं हमारे कमलेश सिंह जी और बर्फी महाराज जी कार्यालय मंत्री हैं, बहुत बड़ा योगदान रहा है, और निश्चित है कि राम मंदिर तक उद्घाटन तक विशेष जो है आपका कुछ ना कुछ यहाँ के रामायण मेला की तरफ से कुछ ना कुछ संदेश जरूर जाएगा। मैं अयोध्या से नीरज, थैंक यू।